नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज पांडे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट विभाग से आपके सामने टाइप्स ऑफ रूम्स इन होटल्स पर एक स्लाइड लेकर के आया हुआ हूँ। यह सभी विद्यार्थी जो टूरिज्म का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए, और जो विद्यार्थी होटल स्टडीज एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लिए हुए हैं उन लोगों के लिए लाभदायक होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी बच्चा जब पर्यटन का अध्ययन करता है तो उसको टूरिज्म के कंपोनेंट्स में जो एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वह है होटल। जब कोई ट्रैवल एजेंट या टूर पैकेज बनाने वाला व्यक्ति किसी कस्टमर को टूर पैकेज बनाकर देता है तो कस्टमर पूछ सकता है कि आप मुझे किस होटल में भेज रहे हैं, कि आप मुझे किस प्रकार का रूम दे रहे हैं उस होटल के अंदर का। तो यहाँ पर आप लोगों को यह जानना होगा कि जो होटल होता है उसके अंदर अनेक प्रकार के रूम्स होते हैं। यानी कि जैसे हम किसी जनरल स्टोर में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि मुझे एक जनरल कमोडिटी दे दीजिए, तो वह उसके कई वैरायटीज़ देता है। यह डिपेंड करता है हमारी चॉइस पर और अवेलेबिलिटी पर। तो आज के इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गेस्ट रूम्स के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला जो हमने टाइप ऑफ रूम लिया है वह है स्टैंडर्ड रूम। जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है आप लोगों को, स्टैंडर्ड रूम वह रूम है जहां पर एक रूम का स्ट्रक्चर है, बेसिकली उसमें दी जाने वाली फैसिलिटीज जो हैं, एमिनिटीज भी जिनको हम बोलते हैं, वो उतनी अधिक मात्रा में या क्वांटिटी में नहीं होंगी जितनी इसके अतिरिक्त दूसरे रूम्स में हो सकती हैं। स्टैंडर्ड रूम जो है वह रूम है जिसमें बेसिक एमिनिटीज की मात्राएं, बेसिक एमिनिटीज की संख्याएं न्यूनतम या सिर्फ गेस्ट के बजट को देखते हुए निर्धारित की जाती हैं। यह किसी भी होटल का सबसे कम रुपये में मिलने वाला, सबसे कम रैक रेट वाला रूम रहता है। इसका नाम है स्टैंडर्ड रूम, या इसको कहेंगे हम क्लासिक रूम। कई जगह इसको ट्रेडिशनल रूम के नाम से भी जाना जाता है। इन रूम्स में रखने वाला जो बेड होता है वह एक सिंगल बेड होता है, और जो सिंगल बेड होता है उस बेड का जो साइज है वह होता है 3 फीट बाय 6 फीट। 3 फीट बाय 6 फीट का बेड उसमें होता है। तो नेक्स्ट इज, आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि रूम एमिनिटीज़ क्या होती हैं। किसी भी गेस्ट रूम की वैल्यू उसमें उपलब्ध फैसिलिटीज़ से काउंट होती है। उस गेस्ट रूम के अंदर मौजूद एमिनिटीज़, फॉर एग्जांपल टॉवल्स हैं, बाथ टॉवल, हैंड टॉवल, फेस टॉवल, सोप, शैम्पू, कंडीशनर्स, बॉडी लोशन, शावर कैप, स्विमिंग किट, स्लिपर्स, टूथ किट, शेविंग किट, इसके अतिरिक्त वाटर, टी केटल, मिनरल वाटर बॉटल, मिनी बार, एक्स्ट्रा एमिनिटीज जो होटल प्रोवाइड करता है, उन सभी चीज़ों को अगर अकाउंट करें तो वह रूम की विलासिता को दर्शाता है, लग्जरीनेस को दिखाता है। तो ये एमिनिटीज, जैसे जैसे रूम्स के स्टैंडर्ड बढ़ते रहेंगे, एमिनिटीज की संख्या, क्वांटिटी, क्वालिटी सब चीज़ बढ़ती रहेंगी। आगे जैसे जैसे हम इन स्लाइड में आगे जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इन सभी प्रकार के रूम्स में दो विशेष प्रकार के अंतर हैं। पहला अंतर है पाई जाने वाली, दी जाने वाली एमिनिटीज, और दूसरी चीज़ बेड्स, नंबर्स ऑफ बेड्स या फिर साइज ऑफ बेड्स। चलिए तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रूम जो है वह है सिंगल रूम। सिंगल रूम जो कि किसी एक गेस्ट को ऑफर किया जाता है, किसी एक गेस्ट के लिए यह उपलब्ध कराया जाता है, किसी एक गेस्ट को अकोमोडेट कराने के लिए होता है। इसमें लगने वाला जो बेड होता है वह सिंगल बेड होता है, और इसका साइज वही होता है जो एक स्टैंडर्ड बेड का साइज था, यानी कि 3 फीट बाय 6 फीट का। नेक्स्ट जो बेड रूम है दैट इज डबल रूम। डबल रूम कैन अकोमोडेट टू 2 पीपल इन अ सिंगल बेड। द साइज ऑफ बेड विल बी 4.5 फीट टू 6 फीट, यानी कि सिंगल बेड से थोड़ा सा बड़ा है। और कई सारी जगह पर, यानी कि यह चीज़ समझनी होगी, द साइज ऑफ डबल बेड वेरीज फ्रॉम होटल टू होटल। मीन्स समटाइम्स इट हैज़ बीन फाउंड दैट सम होटल्स आर प्लेसिंग बेड ऑफ 6 फीट बाय 6 फीट इन देयर डबल रूम्स ऑल्सो, बट इन प्रीवियस बुक्स
और जो अच्छे राइटर ने जो लिखी है उनमें अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड द साइज ऑफ डबल बेड इज 4.5 फीट टू 6 फीट ओनली। नेक्स्ट इज ट्विन रूम। ट्विन का मतलब होता है दो, दो बेड और दो कस्टमर के लिए, दो क्लाइंट्स के लिए, लेकिन ये सेपरेट हैं, एक दूसरे से सेपरेट हैं, अलग अलग जगह पर हैं। एक हेड टेबल होती है उससे ये अलग होते हैं और इनका साइज वही होता है जो एक सिंगल बेड का होता है। तो डेफिनेशन बनकर जो आएगी विल कम लाइक अ रूम दैट कैन अकोमोडेट टू पर्संस एंड द साइज ऑफ सिंगल बेड इज 3 फीट बाय 6 फीट। द ट्रिपल रूम बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्विन रूम था वैसे ही ट्रिपल रूम है। देयर आर 3 डिफरेंट सिंगल बेड्स सेपरेटेड बाय अ हेड टेबल। एंड द नेक्स्ट इज क्वाड रूम। इन कंटिन्यूएशन में आप समझिएगा चार बेड्स होंगे, चार के चार सिंगल बेड्स होंगे जिनकी साइज 3 फीट बाय 6 फीट होगी और ये चार लोगों के लिए होगी। और यहाँ पर आपको समझना है जो ट्विन रूम है और जो ट्रिपल रूम है या क्वाड रूम है इनको प्रेफर करने वाले लोग कौन होते हैं। इनको प्रेफर करने वाले ज़्यादातर ग्रुप्स के लोग होते हैं, वे लोग जो किन्हीं होटल में कॉन्फ्रेंसेज मीटिंग्स सेमिनार अटेंड करने के लिए आते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा लग्जरी टाइम बिताने का नहीं होता, दे हैव कम टू होटल टू जॉइन सम मीटिंग्स। सो दीज रूम्स आर वेरी गुड फॉर दोज हु हैव जॉइंट द होटल फॉर सम रीजन ऑफ बिजनेस पर्पज। दिस टाइप ऑफ रूम इज नोन एज क्वाड रूम। एंड नेक्स्ट इज डुप्लेक्स रूम। डुप्लेक्स रूम बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में, यदि नहीं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा डुप्लेक्स रूम क्या होता है। एक रूम उसके ऊपर एक और रूम जो कि इंटरनल स्टेयर केसेस से जुड़ा होगा। स्टेयर केसेस का मतलब होता है अंदर से जाने वाली इंटरकनेक्टेड सीढ़ियों से जुड़ा हुआ है ऊपर वाले फ्लोर में। इस कमरे में अगर आप जब एंटर करेंगे गेस्ट रूम के अंदर आप एंटर करेंगे तो यू विल फाइंड कि नीचे वाले फ्लोर में एक बेड होगा और कुछ बैठने की व्यवस्था सोफा सेटिंग कुछ चेयर अच्छी से लगी होंगी। ज़्यादातर यह रूम किसी बिजनेस क्लाइंट के द्वारा इसको प्रेफर किया जाता है। इसका वजह यह है कि दिन के समय में कोई भी बिजनेस क्लाइंट अपने लोगों को बुला करके वहाँ पर कुछ मार्केटिंग या कुछ जो काम है कर सकता है नीचे बैठ के। एंड इन द नाइट टाइम ही कैन गो अप एंड सिट, यानी कि बेडरूम ऊपर वाले फ्लोर में, नीचे वाले फ्लोर में लिविंग रूम होता है। तो दीज टाइप ऑफ रूम्स आर नोन एज डुप्लेक्स रूम्स। देन नेक्स्ट इज पेंट हाउस रूम। टॉप अगर रेटिंग में लाएं टाइप्स ऑफ रूम्स को तो पेंट हाउस रूम वह रूम होगा जो सबसे ज़्यादा लग्जरी रूम होता है। यानी कि पहली बात किसी भी होटल के टॉप फ्लोर्स में होता है, टेरेस में होता है, जहाँ से पूरा व्यू आपको पूरे सिटी का या जो भी सामने अच्छा सीनिक व्यू है वहाँ से दिखेगा। ज़्यादातर डेलीकेट्स यानी कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके द्वारा इस प्रकार के रूम्स को लिया जाता है, उनके लिए इनको रिजर्व किया जाता है। दीज आर पेंट हाउस रूम्स। तो क्या बना कि टॉप फ्लोर्स में होता है और टेरेस ओपन टेरेस में होता है, सारी लग्जरी अमेनिटीज वहाँ पर गेस्ट को दी जाती हैं। कबाना रूम नाम भी अलग है और नाम से और इसकी डेफिनेशन को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। कबाना रूम्स वे रूम्स होते हैं द रूम्स विच आर लोकेटेड नियर एनी पूल एरिया। पूल एरिया अगर इसकी बहुत डीप रिसर्च में जाएंगे तो यू विल फाइंड अ कबाना रूम मे और मे नॉट हैव अ बेड। मीन्स दीज आर रूम्स लोकेटेड नियर एनी स्विमिंग पूल विद सम चेंजिंग फैसिलिटी ड्यूरिंग मेकिंग एक्टिविटी ओवर स्विमिंग पूल। यानी स्विमिंग पूल की फैसिलिटी लेने वाला गेस्ट उस रूम को लेगा जो स्विमिंग पूल के करीब है, उसका एक डोर स्विमिंग पूल की ओर खुलेगा और गेस्ट को चेंजिंग के लिए वहाँ पर फैसिलिटीज मिलेंगी। समटाइम्स वी हैव बीन सीन दैट कि वहाँ पर ओपन लॉन्च बार्स वगैरह भी फैसिलिटीज होटल्स प्रोवाइड कराते हैं। सो दीज आर कॉल्ड कबाना रूम्स लोकेटेड नियर पूल्स। कनेक्टिंग या एडजॉइनिंग रूम्स आर दोज रूम्स जो एक दूसरे के अगल बगल में होते हैं, यानी कि कॉमन वॉल होगी बीच में और कॉमन वॉल के ही बीच में एक दरवाजा होगा जिससे एक दूसरे में एक्सेस किया जा सकता, आना जाना किया जा सकता। इंटरकनेक्टिंग एडजॉइनिंग नाम से सजेस्ट हो रहा है देयर आर टू रूम्स विच आर कनेक्टेड बाय ईच अदर बाय विद द मिडिल डोर लोकेटेड इन द वॉल इन बिटवीन। सो अगर मान लो दो रूम है 201 और 202,
201 में जाने वाला व्यक्ति 202 में अंदर से भी जा सकता है क्योंकि बीच में एक दरवाजा है। ज्यादातर इस प्रकार के रूम जो है फैमिलीज के द्वारा प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि वे लोग साथ में बच्चों को बैठा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, दे कैन हैव मीटिंग टुगेदर। सो दीज टाइप्स ऑफ रूम्स आर कॉल्ड एडजॉइनिंग रूम्स या कनेक्टिंग रूम्स। इसी के साथ में एडजेसेंट रूम्स हैं। एडजेसेंट का मीनिंग होता है अगल बगल। एक इमेज के द्वारा भी आपको बताने का प्रयास किया गया है। एक रूम 102 है, एक रूम 103 है, तो इन दोनों में जाने के लिए यू विल हैव टू हैव अ सेपरेट की टू गेट इन साइड। यानी एक 201 में जाने वाले के पास अलग चाबी होगी, 203 पर जाने वाले के पास दूसरी चाबी होगी, बिकॉज दीज आर नॉट इंटरकनेक्टेड डोर, सो एडजस्टेंट अगल और बगल। सो नेक्स्ट इज स्वीट रूम। स्वीट रूम किसी भी होटल का सबसे लग्जरी रूम, सबसे महंगा रूम, हाईली फैसिलिटेटेड रूम है एक, तो उसका नाम है स्वीट रूम। स्वीट रूम इज अ मोस्ट लग्जरियस, कंफर्टेबल एंड स्पेसियस रूम ऑफ अ होटल। इट मे हैव टू और मोर बेडरूम्स एंड अ लिविंग रूम सेपरेटली। यह बिल्कुल हमारे घर की तरह से है, जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं, जब आप उसके अंदर एंटर करते हैं तो एक दरवाजा होता है, लेकिन अंदर जाते ही आपको एक लिविंग रूम मिलता है। आपके गेस्ट वहां पर आकर के आपसे मिलके वापस चले जाते हैं, लेकिन इसके लेफ्ट और राइट में डोर्स ओपन होते हैं टुवर्ड्स बेड्स। एवरी रूम है सेपरेट वॉशरूम्स एंड दैट लिविंग रूम ऑल्सो हैव सम हैव द फैसिलिटी ऑफ वॉशरूम सेपरेटली। समटाइम्स यू विल फाइंड जकूजीज एंड सम स्पा फैसिलिटीज आर ऑल्सो बींग प्रोवाइडेड बाई होटल्स एंड स्वीट रूम्स नाउडेज। एंड सबसे महंगा भी अगर अकाउंट करें तो यही रूम होता है किसी भी होटल का। देन पार्लर रूम, अ लिविंग रूम विदाउट बेड एंड इट मे हैव सोफा एंड लग्जरी चेयर्स वेयर गेस्ट कैन सिट टॉक एंड रिलैक्स। दिस टाइप ऑफ रूम इज नॉट यूज फॉर स्लीपिंग पर्पज। आप अपने किसी घर से निकल करके, अपने सिटी से निकल कर दूसरे सिटी में गए किसी मार्केटिंग पर्पज से, और वहां पर आपके क्लाइंट आपसे मिलने आ रहे हैं, तो यू नीड अ रूम टू एंटरटेन पीपल। तो आप जिस रूम को वहां पर लेंगे जहां पर आपको रहना नहीं है, सोना नहीं है, तो जहां पर आपको सिर्फ गेस्ट से डील करनी है, बात करना है कस्टमर से, तो दैट रूम द होटल विल प्रोवाइड यू इज नोन एज पार्लर रूम। सिटिंग फैसिलिटीज के साथ होता है, ठीक है, एमिनिटीज इसमें होती है सब, और यू विल बी प्रोवाइडेड विद द लाइट, स्नैक्स एंड टी कॉफी एंड फैसिलिटीज वहां पर हो सकती हैं। देन नेक्स्ट इज हॉलीवुड रूम। हॉलीवुड रूम नाम बड़ा है, डेफिनेशन बहुत छोटी है। द रूम विद टू सिंगल बेड्स बट जॉइंट टुगेदर मीन्स, जैसे ट्विन रूम था, ट्विन रूम में दो सिंगल बेड्स को हमने अगल बगल एक हेड टेबल से अलग किया था। यहाँ पर हेड टेबल को अलग कर दें तो उसका जो स्ट्रक्चर बनकर आएगा दैट विल बी डिफाइंड एज हॉलीवुड रूम। सो हॉलीवुड रूम विद टू सिंगल बेड्स जॉइंट टुगेदर विद अ कॉमन हेडबोर्ड प्रिफर्ड बाय बिजनेस क्लाइंट्स। बिजनेस क्लाइंट्स आते हैं तो उनके लिए ही ये रूम होटल्स बनाकर देता है। हॉलीवुड रूम टू सिंगल बेड्स जॉइंट टुगेदर, ठीक है। द नेक्स्ट इज लनाई रूम। लनाई रूम कुछ रूम ऐसे हैं जिनको जानना जरूरी है, इनके टर्म्स बहुत अलग हैं, मीनिंग कुछ और निकल कर आती है। लनाई, लनाई रूम मीन्स अ रूम लोकेटेड बेसिकली ऑन द टॉप फ्लोर्स ऑफ होटल फ्रॉम वेयर अ गेस्ट कैन हैव ब्यूटिफुल सीनिक व्यूज। सीनिक व्यूज आर फॉर एग्जाम्पल लाइक बीच एरियाज, हिली एरियाज, स्नो हिमालयाज कैन बी सीन फ्रॉम देयर। सो ये बेसिकली विल हैव दीज रूम्स विल हैव बेसिकली हायर हाईली प्राइस्ड एज वेल एज। लनाई रूम इज अ रूम यूजअली सिचुएटेड ऑन द टॉप फ्लोर्स ऑफ द होटल्स एंड हैव बालकनी और टेरिस टू प्रोवाइड स्पेस फॉर गेस्ट टू रिलैक्स, इंजॉय द फ्रेश एयर एंड ऑफन टेक इन व्यूज ऑफ द सराउंडिंग लैंडस्केप सच एज गार्डन्स हैं, पूल्स हैं, बीचेज हैं, हिल्स व्यू और अदर नेचुरल एलिमेंट्स कैन बी सीन फ्रॉम देयर। सो दिस रूम हैज द स्पेशलिटी ऑफ दैट व्यू दैट कम्स आउट ऑफ फ्रॉम दैट द टेरिस लोकेटेड आउटसाइड द रूम, फाइन। सो ये रूम बिल्कुल अलग है दूसरे रूम से। जैसे ताज फेसिंग, इफ यू गो टू आगरा यू विल फाइंड देर आर
two, basically two types of rooms are asked in the reception, by reception. Sir, what kind of room you want? Task facing or non-task facing? Task facing will cost you 15,000, non-task facing will cost you 7,000 to 5,000 rupees. So the same case happens here also with lanai room. These are very special type of rooms. Next is king and queen rooms. King room is a room which has a king sized bed. The king sized bed is of 5 feet to 6 feet, queen size, and king size is 6 feet by 6 feet. यानी कि 6 feet by 6 feet का अगर बेड लगा होगा कहीं पर, तो दैट रूम विल बी नोन एज किंग साइज्ड. एंड सिमिलरली इफ यू फाइंड अ रूम विद द बेड साइज ऑफ 5 feet by 6 feet, दैट विल बी नोन एज क्वींस रूम. फाइन. सो टुडे आई हैव समराइज्ड फ्यू कलेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ रूम्स इन दिस वीडियो. बाय द नेक्स्ट लेक्चर, in the next video we will be explaining about different types of hotels. So students, see you next time. Thank you so much. Thank you.